सब्सक्राइब कीजिए अपने चैनल टेक राज को और बेल आइकन को दबाकर ऑल प्रेस कर दीजिए लेटेस्ट टेक वीडियोज सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ वीवो के Z1 प्रो के बारे में। दोस्तों काफ़ी टाइम पहले वीवो में एक बड़ा अपडेट आया था, जिसके बाद दोस्तों वीवो का Z1 प्रो काफ़ी ज़्यादा हैंग हो रहा था और उसकी जो बैटरी है काफ़ी जल्दी वीक हो रही थी। पर दोस्तों फाइनली वीवो की तरफ से एक और अपडेट आ चुका है वीवो Z1 प्रो में, जिसके बाद दोस्तों आपको काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगी इस फ़ोन में। दोस्तों आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आपको इस अपडेट के बाद क्या कुछ देखने को मिल सकता है और ये अपडेट कितने GB का है, कितनी MB का अपडेट है, ये दोस्तों मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। लेकिन दोस्तों वीडियो सुनने के बाद आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पहली बार आए हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन दबा दें, जिससे मेरी वीडियो सुनने आपको सही से मिल सके। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं और मैं आपको इस अपडेट के बारे में पूरी जानकारी देता हूँ। दोस्तों काफ़ी टाइम पहले वीवो Z1 प्रो में ये अपडेट आया था, जो कि दोस्तों 3 GB से ऊपर का था। दोस्तों इस अपडेट के बाद हमारा जो फ़ोन है उसमें जो बैटरी है दोस्तों काफ़ी जल्दी वीक हो रही थी और भी दोस्तों काफ़ी ज़्यादा बग्स दिखाई देते इस फ़ोन के अंदर। बट दोस्तों अभी वीवो ने एक और अपडेट लॉन्च किया है वीवो Z1 प्रो के लिए, जो कि दोस्तों आपको 400 से 450 MB तक का देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों ये जो अपडेट है ये दोस्तों 6.70.8 दोस्तों इस अपडेट में आपको काफ़ी कुछ इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। इस अपडेट को करने के बाद दोस्तों आपका जो फ़ोन है पहले से ज़्यादा स्मूथ हो जाएगा, आपके फ़ोन की जो स्पीड है वो काफ़ी तेज़ हो जाएगी पहले से, और दोस्तों बैटरी है वो भी इतनी जल्दी वीक नहीं होगी। और दोस्तों इसमें कई और इम्प्रूवमेंट किए गए हैं, जिससे दोस्तों आपका जो फ़ोन है पहले से ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा दोस्तों स्मूथ हो जाएगा, आपका फ़ोन बिल्कुल भी लैग नहीं करेगा। क्योंकि दोस्तों जो अपडेट है ये वीवो ने सिर्फ इसीलिए बनाया है जिससे आपके फ़ोन में जो पहले जो प्रॉब्लम आ रही थी वो फिक्स हो सके। तो दोस्तों अगर आपके फ़ोन में अपडेट आया है, अगर आप वीवो का Z1 प्रो यूज़ करते हो, तो आप इस अपडेट को फटाफट से अपडेट कर लो, जिससे आपका फ़ोन पहले से ज़्यादा स्मूथ हो जाए और आपकी जो बैटरी है आपके फ़ोन की वो पहले से ज़्यादा चलने लगे। और दोस्तों आपको एक बात ध्यान रखनी है कि अगर आप इस अपडेट को अपडेट करो तो दोस्तों आपको अपडेट करने के बाद आपको अपना फ़ोन एक बार स्विच ऑफ करना है अपडेट को करने के बाद, तो जिससे आपका जो अपडेट है अच्छी तरीके से वर्क कर सके। क्योंकि दोस्तों काफ़ी लोग क्या करते हैं कि अपडेट करने के बाद अपने फ़ोन को ऐसे यूज करते हैं जिससे उनका जो अपडेट हुआ है फ़ोन वो ठीक से वर्क नहीं करता। काफ़ी ऐसी एप्लीकेशन होती हैं जो अच्छे से वर्क नहीं करती। दोस्तों अगर आप इस अपडेट को करना चाहते हो, अगर आपके फ़ोन में ये अपडेट आया है, अगर आपके पास वीवो Z1 प्रो है और आपके पास ये अपडेट आया है, तो आप इस अपडेट को फटाफट से कर लो और अपडेट करने के बाद अपने फ़ोन को एक बार स्विच ऑफ करके रिस्टार्ट करो, जिससे आपका जो अपडेट अच्छे से वर्क करे और आपका फ़ोन पहले से ज़्यादा स्मूथ हो जाए। तो आइए अब दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक और शेयर जरूर करना, और अभी चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लेना है। दोस्तों फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।